अभी हम जनरल हॉस्पिटल में हैं जस्टिस फॉर पैलेस्टीन के लिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने फलस्तीन के भाइयों के साथ, खड़े हो सकते हैं। पहले फलस्तीन जाने के लिए खालदा तो बस हम तैयार है, अगर हमारी टीम की जरूरत पड़ी तो हम फलस्तीन जाने के लिए तैयार है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, सब ठीक है। अभी हम जनरल हॉस्पिटल में हैं तो यहाँ पे स्ट्राइक हुई हुई है, कुछ डॉक्टरों के मुज़ाकरात थे आवाम के साथ जस्टिस फॉर पैलेस्टीन के लिए, अभी हम आपको दिखाते हैं उनके हक के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस यूनिटी से, आज उन्होंने इसराइल वालों के मुँह पर थप्पड़ मारा। हदीस है कि अगर हम वहाँ जाके जिहाद नहीं कर सकते, अगर गलत को पत्थर नहीं मार सकते, तो यहाँ रह के हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अपने फलस्तीन के भाइयों के साथ खड़े हो सकते हैं। काश हमारा ये मीडिया ये हमारी वीडियो वायरल करे, और मैं अपनी MS साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे पहले फलस्तीन जाने के लिए खालदा तो बस हम तैयार है, अगर हमारी टीम की जरूरत पड़ी तो हम फलस्तीन जाने के लिए तैयार है। वहाँ हमारी माएँ हमारी बहनें हमारे बच्चे, अगर वो अपने जानों का नजराना दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। हम मुसलमान हैं, खुदाई आप लोगों से मेरी मिन्नत है कि मुसलमान होने का हक अदा करें। आज वो वक्त आया है कि अब हमारा फर्ज है कि हम अपनी पहली मस्जिद अक्सा की हिफाजत करें। अगर वहाँ पे पानी पे पाबंदी लग रही, कल सोशल मीडिया पे वायरल था कि कस्बा का पानी बंद कर रहे हैं, तो मुसलमानों का फर्ज है कि ये माएं ये बहनें अगर करबला के वक्त नहीं थी तो आज ही अपनी जिम्मेदारियां निभा सके, आज उन बहनों के साथ खड़ी हो सके। मुसलमान एक जमात है, एक दीन है। हमारा मजहब कहता है कि आप मुसलमान भाई को तकलीफ में देखो तो उसकी तकलीफ में उसके साथ दो। ये कोई मुसलमान नहीं है कि अपने मुसलमान भाई को तकलीफ में देखे और अपने साइड करके गुजर जाए, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये मुसलमान होने की निशानी नहीं है। खुदाया मुसलमान होने की निशानी दो, अपने फलस्तीन भाइयों का साथ दो, और अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो मेरी नर्सिस मैडम सबसे पहले टीम में जाने के लिए तैयार है, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम अपनी जानों का नजराना देने के लिए हाजिर हैं। अगर जरूरत पड़े तो हमारी टीम वहाँ पर जाने के लिए तैयार है। मैं अपनी सिस्टर रबीना को दावत दूंगी, सिस्टर रबीना को दावत दूंगी प्लीज कि वो छोटी सी बात करें, अपनी बहनों को दावत दें। मैंने बात क्या करनी है, दिल खून के आंसू रोता है उनकी हालत देख के, फलस्तीनियों की हालत देख के दिल खून के आंसू रोता है, और हमारे कितने मुस्लिम कंट्री हैं उनको होश करनी चाहिए कि उनका साथ दें। वर्करी तो सारी कह रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बिलक रहे हैं, लेकिन कोई मुसलमान मुल्क अभी उनका साथ उनके साथ खड़ा तो खड़े होने का तो कह रहे हैं, लेकिन साथ खड़ा वो नहीं रहा और ना ही नजर आ रहा है कि खड़ा है, क्योंकि वहाँ पे पानी की किल्लत है। और ये पता क्या है, ये हम तमाम मुसलमानों की एक आजमाइश का वक्त है, ये आजमाइश का वक्त है कि बिला अव्वल की हमें इबादत कैसे करनी है। और हदीस पाक में भी आता है ये क़यामत से पहले जगह जगह नहीं रहेगी, तो हम कहते हैं कि या अल्लामीन हमारी जिंदगी में किबला अव्वल मुसलमान ना हो, हमारी जाने चली जाए लेकिन हमारे किबले अव्वल को कुछ ना हो, और सारे मुसलमानों के जज्बे अल्लाह ताला की दात पाक बुलंद करें और इनमें जोश हैदरी अता फरमाए। मैं एक बात करना चाहूंगी प्लीज, जितने भी हमारे मजहबी स्कॉलर हैं उसमें मौलाना तारिक जमील साहब भी आते हैं, बड़े नामी ग्रामी हैं,
मैं एक इंजीनियर को सुनती हूँ, उनका नाम भी आता है। कासम अली ईशा को सुनती हूँ, उनका नाम भी आता है। खुदाया आप अपनी इज्जत बनाने के लिए सोशल मीडिया पे ना आए, आप अपने इस्लाम को बचाने के लिए सोशल मीडिया पे आए। आपका सबका फर्ज है कि इस वक्त अगर कोई मुसलमान सो रहा है तो आप ऐसी वीडियो वायरल करें सोशल मीडिया पे कि वह सब मुसलमान जाग जाए और फलस्तीन भाइयों के साथ खड़े हो जाए। खुदाया इस्लामी रियासत को बचाई। जितने भी स्कॉलर हैं, जितने मजहबी स्कॉलर हैं जो नामी ग्रामी है, मैंने टीचर का नाम भी लिया, प्लीज जितने भी हमारे हुक्मरान है वो जाग जाए, क्योंकि उनका इस वक्त जो तलक है वो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। प्लीज सब जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो इकट्ठे हो जाए और फलस्तीन भाइयों का साथ दें और उनके शाना बशाना खड़े हो जाए। अगर आपको अपने बेटों की, अपनी बेटियों की, अपने जानों की कुर्बानी देनी पड़ती है तो उस पर सब्र करें और शुक्र करें और अपने आप को हाजिर करें। जज़ाकअल्लाह।